करेक्ट एड्रेस नहीं पता कि कहाँ पे है। डॉक्टर के घर घर पहुंच गए हैं। अभी और क्या कहते हैं, कल क्या बोला था मैंने तुमसे कि मैं लगाऊंगा वो पीसी की, पीसी से और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद मैंने कल तुमसे बोला था कि आज लगा दूंगा, ठीक है, मैंने तुमसे बोला था। और गाइस अभी मैं वो लगाने जा रहा था, ये रही अपनी वायर, मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है, देख लो ये रही वायर अपनी। और जो ये वायर है इसके साथ में ये भी लाया था, ये रही इनकी डट्टा कंदला इसको दीवार पर सेट करने की। और गाइस ये मैं लाया था ना, तो क्या कहते हैं कि अब एक प्रॉब्लम आ रही है इनको लगाने में। वो क्या प्रॉब्लम है कि जिस हथौड़े से इनको ठोकूंगा मैं, वो हथौड़ा मुझको मतलब घर में है नहीं, तो अभी मैं जाऊंगा सोसाइटी के ऑफिस, वहां से पूछता हूँ कि हथौड़ा मुझको मिल जाएगा या फिर नहीं। और अगर नहीं, और अगर मिल गया तो फिर हथौड़े से ना इन कीलों की वो सर फोड़ दूंगा, है ना, क्या बातें कर रहा हूँ मैं। हाँ तो गाइस हथौड़ा पूछने जा रहा हूँ अभी ऑफिस, हथौड़ा मिल जाता है उसके बाद इसको सेट करूंगा। और क्या कहते हैं, या फिर अंकल होंगे कोई, उनसे पूछूंगा कि आप कर दोगे, तो फिर उनसे करवा लेंगे, मैं नहीं करूंगा फिर। और क्या कहते हैं गाइस, अभी बैठा हूं मैं खिड़की के पास, देख लो खिड़की के पास बैठा हूं, नजारा देख रहा हूं, मतलब क्योंकि हवा आ रही है सामने से, ये नहीं कह रहा पूरी तेज, मतलब ठीक हवा आ रही है, तो अभी खिड़की के सामने बैठा हूं। और अभी जा रहा हूं ऑफिस सीधा, इसके पता करने के लिए कि हथौड़ा मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो गाइस अब ऑफिस चलते हैं फिर, चलो। अरे ऊपर से लग रही है, रुको अब चलते हैं सीधा ऑफिस। गाइस यार ऑफिस के रास्ते पर आ गया हूँ, सामने है ऑफिस वहां पर। और तुम्हें एक चीज दिखाऊं, देखो ये है सोसाइटी का क्लब हाउस जहाँ पे सारे इवेंट होते होंगे, ये वो है क्लब हाउस ही मान लो यार, हाँ क्लब हाउस ही है। तो ये वो है और ऑफिस सामने ही है इसके बिल्कुल, दीवार आ गई बीच में, सॉरी। ऑफिस में बात करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि अंकल ने क्या बोला, कोई मिल जाएगा या फिर हथौड़ा लेके मैं ही कर दूंगा सेट, तो पूछता हूँ पहले। गाइस यार ऑफिस में बात कर कर आ गया हूँ, ना तो मुझे वो अंकल मिले कि जो केबल फिक्स करते हैं, ना ही मुझे हथौड़ा मिला, तो अब मैं क्या करूँ। तो गाइस पता नहीं शाम तक फिर से चेक करके आऊंगा, अगर कोई मिल जाए तो, नहीं तो फिर खुद लाऊंगा हथौड़ा कहीं से, फिर सेट करूंगा। गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के, नहीं दोपहर ही हो गए, तो 12:55। और क्या कहते हैं अभी मैं मम्मी को लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मी के शरीर में थोड़ी थकान है, ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ओए पढ़ाई चल रही है गाइस, चाबी कहाँ पे है काली गुद्दी के, सही से बता चाबी कहाँ, जल्दी बता चाबी। गाइस चाबी ढूंढ रहा हूँ मैं अभी स्कूटी के लिए, चाबी नहीं है यहाँ पर चाबी। ओ यारी देखा, जो चीज सामने रहती है वो ही नहीं दिख रही थी मुझे, मैं कमरे में भी गया वापस भी आया तो चाबी मिल चुकी है। गाइस तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देख लिया होगा फिर तुमने, चलो दिखा देता हूँ चाबी पे मैंने, देखो जय श्री राम, ठीक है तुम भी लगवा लो अपनी गाड़ी वाली, गाड़ी स्कूटी पे तो मैंने भी नहीं लगवा रहा, हाँ पर चाबी पे एक ये लॉकेट नहीं, हाँ ये ले लिया था लटकाने का जो भी कहते हैं इसको, ये ले लिया है, बढ़िया लगता है यार, ठीक है भगवान का नाम सुबह शाम लेना सही है। तो ये चाबी भी ले लिया है, मम्मी तैयार हो रही है, फिर मम्मी के साथ जाता हूँ डॉक्टर के पास। पर गाइस 12:55 हो चुके हैं, डॉक्टर बैठता सिर्फ 1 बजे तक, मेरा डॉक्टर नहीं है फीमेल है, तो 1 बजे तक बैठते हो। और क्या कहते हैं मम्मी को मैं जब से कह रहा था 10:30 बजे की मम्मी तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, अब करेक्ट एंड टाइम पे मम्मी अब तैयार हो गई है, करेक्ट एंड टाइम पे अब चलते हैं जल्दी से, ठीक, क्या पता डॉक्टर उठ जाए फिर पोपट हो जाए, क्या पता नहीं मिले फिर। गाइस यार करेक्ट एड्रेस नहीं पता कि कहाँ पे, तो इसलिए अभी ढूंढ रहा हूँ, जहां पर भी दिख जाए तो मौसी से कॉल करके पूछ लेता हूँ, मौसी आती रहती है, हम कभी कभी आते हैं, तो आज कभी कॉल करके पूछ लेता हूँ एक बार, फिर दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। गाइस एट द एंड डॉक्टर के घर पर पहुंच गए, किसी से गार्ड से पूछा कैसे कैसे मुश्किल रास्तों से हम फाइनली डॉक्टर के घर घर पहुंच गए हैं। और क्या कहते हैं मौसम दिखाऊं तुम्हें,
बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा है मौसम, मतलब ये समझ लो बहुत तेज बारिश आने वाली है, बहुत ही ज्यादा तेज। ठीक है यार, गर्मी भी तो हो रही थी इतनी, सही है बारिश हो जाए तो। पर हाँ फाइनली पहुंच गए, मम्मी अंदर दिखा रही है डॉक्टर को, अरे मक्खी कहाँ पे आ गई यार। उसके बाद फिर चलते हैं ठीक घर, उससे पहले बारिश आ जाएगी, पर मेरे ख्याल से भेजते हुए चलेंगे आज तो। गाइस डॉक्टर के पास होकर आ चुके हैं और तुम्हें घर दिखाऊं, घर में ही खोल रखा है क्लिनिक, देख लो घर में ही पूरा का पूरा क्लिनिक है, और नीचे से ना पूरा हॉस्पिटल टाइप बना रखा है, तुम बता नहीं सकते कि हॉस्पिटल है या फिर घर है। मतलब ठीक था यार, मतलब कमाई बढ़िया हो रही है, सही चल रहा है यार सबका, मेरे पे सब सही है, मतलब कमाई तो हो ही रही है, और क्या बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ यार मैं, हो रही है भाई ठीक ठाक कमाई, अपना घर में हॉस्पिटल, तब घर चलते हैं। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, कैमरे पे पानी दिख रहा होगा। गाइस मम्मी को डॉक्टर के वहां से दिखा के लाया था, उसके बाद यार मैं सो गया था, आके रिकॉर्ड नहीं करा, पर अब उठ चुका हूँ और अब बज रहे शाम के 5। ठीक है, अभी मम्मी से चाय के लिए बोलता हूँ, उसके बाद चाय पीते हैं, फिर मुझे कुछ काम है वो करता हूँ फिर मैं। ठीक है, तो अभी पहले मम्मी को उठा देता हूँ। तो गाइस मम्मी उठ चुकी है और यहाँ पर बन रही है अपनी चाय, अब पियेंगे कॉफी, कॉफी पियेंगे वो पीठे मौज कर दिया तो इतनी गर्म पकड़ ली एकदम से। देखो यहाँ पर चाय बन रही है, निकाल दे, निकाल ही नहीं अभी, मेरा हाथ फूट गया पूरी तेज। कौन करना सीख, सब्जी बना रहे हैं, भूख तो ना मरा दूं, घर पे खाता रह रहा है। मम्मी मो पता है, अच्छा मुझे पता है गर्म है भाई, वो अंतर्यामी मेरी शक्तियाँ, मतलब मुझे बता दी पहले से गर्म है वो, इन पकड़ ली फिर। सॉरी मॉम, गाइस देख लो चाय बन रही है। तो गाइस आज चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के, ठीक है आज अंदर नहीं पी रहे क्योंकि अंदर ऐसा लगता है जैसे कैद हो गए हैं। ठीक है आज बाहर बैठ गए और हम मेरी, हाँ यार अपने पुराने घर में बाहर बैठते थे, बाहर बैठ के चाय पीते थे खाट पे, वो बात अलग थी, यहाँ पे अंदर बड़े रहते पूरे टाइम। हाँ मतलब आज पुरानी वाली फील आ गई, बाहर बैठ के थोड़ा, और सामने बिल्डिंग है देख लो, इस साइड नीचे पार्क है। गाइस चाय पी ऑल सेट और अब करते हैं यार वीडियो का काम, मुझे वीडियो बनानी, तो उसके लिए अभी सेटअप बिछाऊंगा पूरा यहाँ पे, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि गाइस तुम्हारे लिए वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है मतलब ये मैं सोचना कि मतलब वीडियो कंप्लीट हुई नहीं है पूरी, एडिटिंग रह रही थोड़ी, और क्या कहते हैं कि थोड़े बहुत एक शॉर्ट्स लेने हैं वो रह रहे हैं, तो उन शॉर्ट्स को अभी लूंगा, उसके बाद क्या कहते हैं वीडियो लाऊंगा फिर एक आपके लिए, मैं तो व्लॉग नहीं है वो अलग तरह की वीडियो है। अरे कौन हॉर्न मार रहा है, पता हॉर्न मार रहा था सॉरी रोड पे खिड़की बंद करनी पड़ेगी मुझे, ये एसी की तेज है। अरे क्या है यार रोड के पास ही, अब नहीं है कोई दिक्कत। ठीक है तो गाइस क्या कहते हैं खिड़की, हाँ कहा था मैं कि हाँ वीडियो आएगी, ठीक है व्लॉग नहीं है वो अलग तरह की वीडियो है। ठीक तो उसको थोड़ा शॉर्ट्स रह रहा है उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और क्या कहते हैं अभी सेटअप बिछाता हूँ यहाँ पे, फिर दिखाता हूँ तुमको रूम कैसा लग रहा है। ओके
कंप्लीट हो चुकी है और बस अब एडिटिंग रह जाएगी थोड़ी बहुत, मतलब हाँ शूट तो हो गई, एडिटिंग करूँगा उसके बाद उसको अपलोड करूँगा शायद अगले संडे सैटरडे तक, हाँ डाल दूँगा उसको मैं। और गाइज कंप्लीट हो गई वीडियो, अब खा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख लो चावल बने हैं, चावल खा रहा हूँ अब, और इसको खाने के बाद मुझे फिर ब्लॉग की एडिटिंग करनी है, उसको करूँगा यार, रात को जगना पड़ता है एडिटिंग करने के लिए, फिर ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा। तो क्या कहते हैं गाइज इस वाले ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना प्लीज़, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।